फ़ायज़ा अपनी माँ से कहती है और नवीन को बहुत याद करती है। कहती है कि मेरी बहन ने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था, अगर कोई उसके साथ बुरा कर भी जाता था तो फिर भी वो हंसी खुशी उस बात को सह लेती थी। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आगे से उसकी माँ कहेगी कि अब इन बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर यही है कि खामोश हो जाओ, क्योंकि मैं उसकी बातें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और बस उसके लिए दुआ करो।